सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। अपनी मेहनत के पसीने में इस तरह से भीग जाओ कि गर्म हवा भी ठंडी लगने लगी। मस्तिष्क के दीपक को बुझा देता है दोस्तों। सफलता तभी मिलती है जब आपके सपने आपके डर से बड़े हो जाते हैं। आज का पंचांग 7 जुलाई 2022 दिन गुरुवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 7:28 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र दोपहर 12:19 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:02 से 3:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर रात्रि 12:22 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 7 जुलाई 2022 दिन गुरुवार, कार्य में प्रतिस्पर्धा आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य कुछ दान पुण्य के कार्यों को करने के लिए समय निकालें। शांत रहना और आराम करना इस दिन की जरूरत है। ऋण या भविष्य के संकटों से बचने के लिए सभी प्रमुख निर्णयों के बारे में सोचें। आप हमेशा विभिन्न प्रस्तावों के फायदे और नुकसान का विश्लेषण करने के बाद सही फैसला लेते हैं। पूरे महीने के खर्च के बारे में विचार करें, बिना जरूरत की चीजों को ना खरीदें। एक सफल और असफल मनुष्य के बीच में ना तो सामर्थ्य का अंतर है और ना ही ज्ञान का, बल्कि अभाव है तो सिर्फ इच्छा शक्ति का। समय अनुकूल है। अगर घर में नवीनीकरण अथवा रखरखाव संबंधित कार्य चल रहा है तो वास्तु समेत नियमों का भी पालन जरूर करें। आपको अपनी काबिलियत को जाहिर करने का मौका मिलेगा, साथ ही आपको अपनी कार्यों तथा मेहनत का उचित परिणाम प्राप्त होगा। पुराने मित्रों के साथ हुई गलतफहमी के जरिए आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। अभी के समय में प्रॉपर्टी में निवेश करने का मौका प्राप्त होगा, इस कारण भविष्य में बड़ा फायदा मिल सकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय हर एक बात की जानकारी ठीक से लेना आवश्यक है। इंटीरियर डिजाइनिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को परिचित व्यक्ति से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, इस कारण एक दूसरे के करीब महसूस होगा। सावधानियां, आवेश और गुस्से की वजह से स्थिति बिगड़ सकती है। शांति और संयम बनाए रखें। अपनी महत्वपूर्ण वस्तु की संभाल खुद करें। इस समय किसी भी तरह की यात्रा को स्थगित रखना ही उचित है, क्योंकि नुकसान की आशंका है। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। विपरीत लिंगी मित्रों से दूरी बनाकर रखें। उदासी और अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए अभी घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताएं और उनकी सेवा करें। अपने मनोभाव और विचारों को अपने साथी तक पहुंचने के लिए भी यह अच्छा समय है। अपने साथी पर ध्यान दें और जीवन के निर्णय दोनों मिलकर लें। आज आर्थिक मामलों में व्यस्त होने के कारण आपको अपनी निजी जीवन के लिए समय कम मिल सकता है। बिना कहे भी एक दूसरे की बात समझ जाना प्यार की ही निशानी है, इसलिए इसे अनदेखा ना करें। याद रखें, किसी भी रिश्ते में यौन आकर्षण होना जरूरी है, किंतु इससे रिश्ता अटूट रहे यह आवश्यक नहीं। बात करते हैं करियर की। आज आपका भाग्य और कोई अलौकिक शक्ति आपके साथ है, जिससे आपके प्रयास व मेहनत दोनों सफल होंगे। नौकरी या कार्यस्थल में प्रतियोगिता आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। अभी किरायेदारों या अधीनस्थ से हुआ विवाद आपको उदास कर सकता है। अपनी नई पहचान बनाएं ताकि लोग आपका सम्मान करें। आज आप अपना पूरा समय धन अर्जित करने के अवसरों को ढूंढने में लगाएंगे।
व्यापार या नौकरी में आपके सहकर्मी आपसे पूरे प्रभावित हैं और आपका साथ देंगे। एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते समय या अपनी योजना के लिए नए ग्राहकों को चुनते समय सतर्क रहें, फ्लेक्सिबल बने और समय के साथ साथ अपनी योजनाओं को भी संशोधित करें। बात करते हैं सेहत की। एलर्जी की वजह से खांसी, जुखाम अथवा स्किन संबंधित परेशानी रह सकती है। ज्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। आज का उपाय, आज आप साईं बाबा जी के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।